नमस्कार, मैं दिनेश लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी से आपका स्वागत करता हूँ। यह एक हमारा नया शो है जिसका नाम है जर्नी ऑफ मसूरी वाला कर्मयोगी। आज हम मिलने वाले हैं आयुषी से, आयुषी जिन्होंने 2021 में ली गई UPSC एग्जाम को पास किया है। आज फाउंडेशन कोर्स जो चल रहा है मसूरी में, उसमें वो शामिल हुई है। आयुषी, पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आप दिव्यांग है जी, इसलिए अब आप हमारी प्रेरणा स्रोत है कि आपने बड़ी एग्जाम पास की है। थैंक यू सर। तो इसके लिए शुभकामना लबास्टा मसूरी की ओर से जी। आपकी जो सफलता की यात्रा है उसको ब्रीफ में सुनाइए। नमस्कार सर, जैसे आपने बताया ही मेरा नाम आयुषी और मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 में ऑल इंडिया रैंक 48 पाई है और इस सफलता के पीछे एक लंबा सफर रहा है। ये मेरा पहला प्रयास नहीं था, कई बार प्रयास करने के बाद मुझे ये सफलता मिली और इस पूरी जर्नी में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार, मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स, उन सब का मुझे सपोर्ट मिला। अभी लबास्टा मसूरी में 97th फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जी सर, तो आप यहाँ तक आ चुकी हैं जी, तो बताइए कैसा महसूस कर रही है जी। हमारा ये 97th फाउंडेशन कोर्स 29th अगस्त को शुरू हुआ, 29th अगस्त 2022, और लकीली वो उस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में हम मनाते हैं और हमारे डायरेक्टर सर श्री श्रीनिवास सर वो बहुत ओरिएंटेड रहते हैं कि सभी ऑफिसर्स ट्रेनीज मेंटली और फिजिकली फिट रहे या ताकि जो भी आगे आने वाले लाइफ में चैलेंजेस होंगे वो उनको अच्छे से फेस कर पाए। लबास्टा मसूरी के डायरेक्टर श्री श्रीनिवासन सर को आपने याद किया है जी, उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है, तो इस कोर्स के दौरान आप ये इनिशिएटिव को फील कर रही जी? बिल्कुल सर, हमारी हर सुबह की शुरुआत मॉर्निंग PET से होती है और उसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं कि कुछ ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कि किसी को एरोबिक्स मिलता है, फिर आप नेक्स्ट वीक हम जुम्बा कर रहे होते हैं, फिर PT, योगा, अनआर्म्ड कॉम्बैट, तो मल्टीपल एक्सरसाइजेज हैं और ये टोटली एक न्यू एक्सपीरियंस है हम सब के लिए। और डायरेक्टर सर प्लस आनंदी मैम, दिशा मैम, सभी फैकल्टी मेम्बर्स इतनी कोऑपरेटिव हैं, इतना कोलेब्रेशन है, लाइक मुझे डिफरेंटली एबल्ड गर्ल होने के बाद या ऑफिसर ट्रेनी होने के बावजूद फुली पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है हर एक, ना सिर्फ क्लासरूम में, हर एक्टिविटी में। मॉर्निंग जो हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं PT, योगा, एवरीवन इज़ लाइक कि हम हैं आपके साथ, आप कोशिश कीजिए, यू विल डू इट, यू कैन डू इट। तो ये जो स्पिरिट यहाँ देखने को मिलती है बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ ट्रूली इंक्लूसिव एजुकेशन। अकेडमी में आके मैंने फील किया कि कैसे सभी फैकल्टी मेंबर्स इसी पैरामीटर पर काम करते हैं कि लाइक दुनिया को देखने के लिए, समझने के लिए हमें आँखों से ज़्यादा नज़रिए की ज़रूरत होती है। सो दे रिस्पेक्ट दिस थिंग एंड मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन और मैं नहीं हम अगेन, उसी पे हम सब यहाँ काम करते हैं। मैं नहीं हम जी, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ जी, मैं नहीं हम हर पल मुझे यहाँ एकेडमी में नज़र आता है कि सब, हमने दो शॉर्ट ट्रैक्स भी किए हैं, एक तो कल ही था हमारा 10th September को, एक 3rd September को था, तो वो यहाँ पास के ही हिली एरियाज में जाके, और जो कल हमने पूरा किया है वो काफ़ी टफ टेरेन से था, लाइक बहुत ऊंचा नीचा रास्ता, कभी स्ट्रीम्स पास करनी है, और वो मैंने कंप्लीट किया पूरा अच्छे से। तो उसमें ऑफिसर ट्रेनीज तो मेरे साथ थे ही, साथ में लबास्टा की पूरी टीम भी, कि जब मैं पहुंची ऊपर कंप्लीट करके तो आनंदी मैम पूछ रही मुझसे कि आपने अच्छे से किया, एंजॉय किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। और हमें ये एज अ ऑफिसर ट्रेनी भी सिखाया जा रहा है कि आपको सबको साथ लेके काम करना, जब हम सिविल सर्वेंट के रूप में पोस्टेड होंगे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ऐसे ही हमें जनता को, सब लोगों को, अपने ऑफिस के कलीग्स को, सबऑर्डिनेट्स को, सबको साथ लेके काम करना एक टीम की तरह। जब आप सिविल सर्वेंट के तौर पे जब पोस्टेड होगी तो ये फाउंडेशन कोर्स आपको कितना हेल्पफुल होने वाला है? ये बहुत हेल्प करेगा सर, मतलब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का जो विज़न है कि फाउंडेशन कोर्स में सभी सर्विसेज के ट्रेनीज को साथ में रखा जाए फॉर 100 डेज के लिए, तो ये बहुत अच्छा विज़न है। हमें अपनी कंट्री की डाइवर्सिटी,
लोगों के बैकग्राउंड्स, उनके प्रॉब्लम्स, उनके स्ट्रगल्स, उनके सॉल्यूशंस सब कुछ सीखने को मिलता है यहाँ। मतलब क्लासरूम एक्टिविटीज़ सिर्फ एक क्लासरूम नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपना टैलेंट पोर्ट्रे कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट वीक डीकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का रहा, उसमें मैंने पहली बार लाइफ में पार्टिसिपेट किया रोल प्ले में, मुझे यहाँ एकेडमी में मौका मिला और एक ट्रूली पूरा ही एक नया न्यू एक्सपीरियंस है हमारे लिए और बहुत कुछ है सीखने के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़, एम्पैथेटिक वैल्यूज़, एवरीथिंग सर। लोगों को मालूम नहीं है कि ये थोड़ा डिफरेंट क्लासरूम है, ट्रेडिशनल टिपिकल क्लासरूम नहीं है, कैसे यहाँ आपको तैयार किया जाता है? सर लाइक दिस डीकंस्ट्रक्शन वीक के दौरान हमें मौका मिला रीविजिटिंग रूरल इंडिया, ये हमारा एक टॉपिक पे क्लास रही, तो उसमें हमें रोल प्ले के मेथड अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि किसी भी गांव के किसी भी कस्टम का, रिचुअल का, ट्रेडिशन का आप थीम लीजिए और एक रोल प्ले कीजिए। तो उसमें हमें पता चला कि कैसे कैसे जो है लाइफस्टाइल रूरल एरियाज़ में चेंज हो रहा है, प्रोग्रेशन आ रहा है और जो अभी भी कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सलूशन क्या है। तो ये पूरा बजाय कि हम एक पैराग्राफ में समझाया जाए, वो अलग अलग इंडिया के अलग अलग भागों से आए हुए ऑफिसर ट्रेनीज ने एक्ट किया स्टेज पे और हमने उससे रूबरू हुए सर जी। फाउंडेशन कोर्स हमें आने वाले हर चैलेंज के लिए तैयार कर रहा है सर। जैसे आनंदी मैम ने अपना विजन शेयर किया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात हमें याद दिलाई कि जब हम यहाँ एकेडमी में आए तो वो हमारे करियर की क्वेस्ट थी जो हमें यहाँ तक लेके आई, लेकिन वो लोगों को सर्व करने की चाहत, वो सर्विस विल हमें हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल आगे के लिए होना चाहिए। आपको जब पोस्टिंग मिलने वाली है तो क्या विजन के साथ आप जाने वाली है और ये देश की जो सेवा है वो कैसे करनी है? मैंने एक टीचर के रूप में भी काम किया है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में, पिछले 10 सालों से मैं टीचर रही हूँ और एज अ सिविल सर्वेंट भी जो अभी मुझे ये सक्सेस मिली है लाइफ में, ये एजुकेशन की वजह से मिली है। मेरा सबसे पहला जो विज़न रहेगा वो रहेगा एजुकेशन फॉर ऑल के लिए काम करना, टू इम्प्लीमेंट इट इन लेटर एंड स्पिरिट, और दूसरा डिफरेंटली एबल्ड लोगों के प्रति लोगों का थोड़ा प्रस्पेक्टिव अगर चेंज कर पाऊँ मैं या मेरी कामयाबी कर पाए। हमें ज़रूरत है ज़्यादातर मास एजुकेशन की, लोगों को अवेयर करने की, एजुकेट करने की, उन तक उन स्कीम्स का सही बेनिफिट पहुंचाने की। तो जो भी हमें वो ड्यूटी का ही पार्ट है, अगर मैं अपनी ड्यूटी भी बहुत अच्छे से कर पाऊंगी तो वो भी बहुत मैं जस्टिस कर पाऊंगी सर अपने गोल के साथ, एम के साथ। ये फाउंडेशन कोर्स के बाद जब आप यहाँ से बाहर निकलेगी तो हमारे पीएम के सपने को साकार करने के लिए आपका योगदान क्या रहेगा? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये विजन रहता है कि आप किसी भी पोस्ट पे हो तो उसको लोगों को सर्व करना आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपके ऑफिस में हमारे देश के कॉमन पीपल अगर आ रहे हैं वो एक होप के साथ आते हैं और वो निराश होकर नहीं जाने चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी सर जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा पाऊँ और अपने दायरे में रह के इस तरीके से काम कर पाऊँ कि हर किसी को उनके राइट्स मिले, जो उन बेनिफिट्स वो डिज़र्व करते हैं वो बेनिफिट्स मिले, वो जस्टिस में कर पाऊँ। आप अच्छी तरह से ये देश की सेवा कर पाए जी, इसलिए बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू। अगर फाइनल कमेंट कुछ करना है तो कर सकती है। हाँ जी सर, एज अ सिविल सर्वेंट मैं काम करना चाहूँगी चाहे जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हो, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन के साथ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और हम एक टीम इंडिया के तौर पे काम करेंगे और एक न्यू इंडिया बनाएंगे जी। दिव्यांग है फिर भी आपने यहाँ तक की जो सफलता की यात्रा तय की है इसके लिए काफ़ी और लोगों को आपने प्रेरणा दी है। भगवान है वो आने वाले दिनों में आपको शक्ति दे और आप जहाँ भी पोस्टिंग पाए वहाँ आप देश की सेवा कर पाए जी। थैंक यू सो मच सर। आने वाले एपिसोड में हम मिलेंगे और एक ऑफिसर ट्रेनी के साथ, उनके साथ बातचीत करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फाउंडेशन कोर्स है लवासना मसूरी में वो कोर्स कितना मायने रखता है उनके आने वाले दिनों में देश की सेवा करने के लिए।